हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट यूट्यूब चैनल मार्केट आइडिया फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम फिर से देखेंगे कि मार्केट कल कैसे मूव कर सकते हैं और उसके साथ आप कौन कौन से स्टॉक पे बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर हमें कहना चाहेंगे कि हमारा एजुकेशनल पर्पज चैनल है, तो हम यहाँ पे जो भी बताया दिखा रहे हैं उसी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप अपने कुछ भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए, हमने आपको कहा था कल कि अगर ये लेवल के ऊपर मार्केट खुलता है तो आप जरूर बाय कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर आपको बाय करना है, खुलता नहीं है, इसके ऊपर बाय करना है। तो आज क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ, तो अगर ओपनिंग के चलते ही, मतलब ओपनिंग के बाद ही आपने बाय किया होगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिला होगा। और उसके बाद क्या हुआ, सॉरी, हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ खुला और इसके बाद क्या हुआ, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया, लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास इसका मूवमेंट था। और उसके बाद बैंक निफ्टी स्ट्रेट नीचे की तरफ आया, ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पे जो गैप था, गैप फिलिंग के चलते ये यहाँ तक आया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, ये जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक का गैप था, तो गैप फिलिंग होने के बाद देखिए ग्रीन कैंडल बना, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बुल्स ने कोशिश किए थे कि ऊपर की तरफ लेके जाने के, लेकिन यहाँ पे ये नाकामयाब रहे बुल्स। और उसके बाद मार्केट सीधा नीचे की तरफ आया, थोड़ा सा सपोर्ट लिया, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक दिया, पुल बैक भी हुआ तो लगभग इसी लेवल तक का पुल बैक हुआ। और उसके बाद मार्केट फिर से फॉल किया और नीचे की तरफ ही कहीं पे इसका क्लोजिंग आया, बहुत नीचे, मतलब नीचे की तरफ ही क्लोजिंग है। देखिए इस लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग है, हालांकि यहाँ पे जो लास्ट 15 मिनट्स से 1 आवर का, मतलब सॉरी 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स का एरिया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी हुआ है, लेकिन लोअर रेंज पे कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं कल। ठीक है, तो अगर आपको कल ट्रेड करना है तो आप कौन से लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग, अगर आपको सेल करना है तो ऑब्वियसली 29,150, 160, 170 ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे आप ज़रूर सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट मिलेंगे वो लगभग 29,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा और उसके नीचे लगभग 28,800 के आसपास आपको सपोर्ट मिल सकता है। और भी अगर नीचे चलता है तो 28,600 तक आपको एक सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पे ये लेवल तक, जो ये लो था इस लो के लेवल तक आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी सिर्फ वीकली नहीं एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। और जो भी स्टॉक पोजीशंस ओपन है या फिर कुछ भी अगर ओपन है, इंडेक्स ओपन है, तो वहाँ पे सब लोग पोजीशन अपना स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं या फिर रोल ओवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कल आपको बहुत सारा वोलेटिलिटी दिख सकता है इंडेक्स के ऊपर, इसको ध्यान रख के अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाइएगा। वैसे ही सिर्फ ये लो ब्रेक होने के बाद ही नीचे की तरफ आएगा, ऐसा ही सिर्फ डिसीजन में मत रहिएगा। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको दिखने को मिले, थोड़ा सा नीचे आए उसके बाद फिर से ऊपर चला जाए, थोड़ा सा इधर साइडवेज मोमेंटम दिखाने के बाद फिर से नीचे आए, या फिर ये भी हो सकता है कि ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद नीचे आए, तो बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको सेल करना है तो सिंपल लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं 21,150, 160, 170 ये जोन है आपके सेलिंग के लिए। और अगर आपको बाय करना है तो 29,500, 530, 550 ये लेवल के ऊपर आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे 29,400 लेवल के ऊपर एक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो वेट कीजिएगा 29,530, 550 लेवल के ऊपर जाने के प्राइस, मतलब इसके ऊपर अगर प्राइस चलता है तभी आप बाय कीजिए, उससे पहले बाय करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और अगर आप और भी ज़्यादा कंजर्वेटिव है तो 29,800 के ऊपर ही आप बाय कीजिएगा, उससे पहले बाय करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ये तीन लेवल्स है आपके बाइंग के लिए, यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है और 29,400 के आसपास एक लेवल है। अब ये लेवल्स अगर क्रॉस भी नहीं होता है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे भी ये एक रेजिस्टेंस का भी काम कर सकते हैं कि समझे प्राइस यहाँ से आया ऊपर की तरफ 29,400 लगाने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप इसको सिंपली एक रेजिस्टेंस के तौर पे मान सकते हैं और वहाँ पे आप सेलिंग भी कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप सेलिंग के लिए सोच सकते हैं और यहाँ पे भी आप सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे लेवल्स को सिर्फ ध्यान रखिएगा, ये एक लेवल है, दूसरा लेवल 29,400 के आसपास है, तीसरा 29,530, 540, 550 लेवल है, चौथा लेवल है 29,800। इन चारों लेवल्स पे आप कहीं पे भी बाय सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे प्राइस मूवमेंट होगा उसी तरह से। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का व्यू। अब चलिए थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं, लेकिन उसको जाने से पहले जरूर हमें कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहे तो आप जरूर हमसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक को फॉलो करके जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये बिल्कुल ही फ्री है। और वहाँ पे हम हर रोज लगभग लाइव मार्केट कॉल्स देते रहते हैं, लाइव मार्केट अपडेट्स देते रहते हैं, तो वहाँ पे आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी। तो देखिए निफ्टी अगर आप देखेंगे
तो निफ्टी का मूवमेंट भी लगभग बैंक निफ्टी के तरह ही था। इस हाई के ऊपर इसने ओपनिंग किया, उसके बाद ओपनिंग करते ही ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, और नीचे की तरफ आते आते बहुत ही कम समय के अंदर ये जो लेवल था, मतलब जो गैप था, इसको फिल किया। फिल करने के बाद जैसे बैंक निफ्टी पे वहाँ पे हमें एक हॉल्ट दिखा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा, ये स्ट्रेट नीचे की तरफ आया, और कुछ देर वेट करने के बाद फिर से नीचे की तरफ एक फॉल हमें दिखने को मिला। तो ओवरऑल ये भी बहुत वीक दिख रहा है बैंक निफ्टी की तरह, ये निफ्टी भी बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है, वीकनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इस वीकनेस के चलते अब यहाँ पे क्योंकि एक्सपायरी तो हो भी सकता है, ये वीकनेस दिखा रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको अगर सेल करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली 12,840-850 लेवल के नीचे आप सेलिंग के लिए सोचिए, उससे पहले सेल करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और अगर आपको बाय करना है तो या तो आप 12,975 से लेकर 13,000 के ऊपर बाइंग के लिए सोच सकते हैं, या फिर 13,050-40 लेवल के ऊपर बाइंग के लिए सोच सकते हैं, या फिर 12,900-920 लेवल के ऊपर आप ज़रूर यहाँ पर बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो ये आपके लिए 3-4 लेवल्स है, जिन लेवल्स पर भी प्राइस अगर आता है तो यहाँ पे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मोमेंटम दिखेगा, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो उस हिसाब से आप इसको एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ भी हो, मतलब जैसे प्राइस का मूवमेंट रहेगा, अगर इसके ऊपर रहेगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा, अगर इसके नीचे रहेगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो उस हिसाब से आप इसको ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं कल, लेकिन ध्यान रखिएगा कल एक्सपायरी है, सिर्फ वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी, तो इसको ध्यान रखते हुए अपना ट्रेडिंग डिसीजन ज़रूर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा स्टॉक देख लेते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले ज़रूर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हो आप हमारे अंडर अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप हमारे अंडर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारे तरफ से प्रीमियम कॉल्स एकदम फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टॉक। तो पहला जो स्टॉक हम देखेंगे वह है एक्सिस बैंक, इसको थोड़ा सा डेली चार्ट में ले लेते हैं। तो देखिए एक्सिस बैंक अगर कल बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखता है तो जो प्राइवेट बैंक है उस पर भी वीकनेस दिखेगा, और उसमें से एक्सिस बैंक में भी ऑलरेडी वीकनेस बना हुआ है। क्यों वीकनेस बना हुआ है, देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली दिखा, उसके बाद नीचे की तरफ करेक्शन दिखा, इसके बाद आज मतलब कल और आज लगा के नया नया हाई तो ज़रूर लगा, लेकिन ये हाई क्रॉस नहीं हुआ, और फाइनली यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ एक पुल बैक दिख रहा है। तो अगर ये 593 के नीचे कल ट्रेड करने लगता है तो आप यहाँ पे ज़रूर सेलिंग के लिए सोच सकते हो, और नीचे की तरफ आपको 565 तक का एक सपोर्ट मिल सकता है, मतलब ये एक आपका सपोर्ट हो सकता है। अब एक ही दिन में होगा या नहीं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन आप ज़रूर यहाँ पे 593 के नीचे सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। देखिए वॉल्यूम भी अच्छा खासा जनरेट हुआ है, तो वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहा है, मतलब हो सकता है जो इतने दिन का पोजीशन ओपन था, मतलब ये जो नवंबर, यहाँ पे देखिए नवंबर का महीना इस जगह पे स्टार्ट हुआ था, तो नवंबर यहाँ पे है, तो नवंबर लगभग पूरा पूरे मंथ में ये ऊपर की तरफ ही गया है। तो कोई अगर यहाँ पे फ्यूचर बाय किया है, या फिर यहाँ पे किसी ने फ्यूचर किया बाय किया है, या फिर यहाँ पे किसी ने फ्यूचर बाय किया है, तो वो लोग अपना पोजीशन ज़रूर स्क्वायर ऑफ कर रहे होंगे, या फिर रोल ओवर कर सकते हैं। लेकिन स्क्वायर ऑफ अगर कर रहा है तो क्योंकि सबके पास रोल ओवर मतलब नहीं भी हो सकता है सबका टाइम, या फिर सबका पॉसिबल भी नहीं हो सकता, या फिर सबका व्यू सेम नहीं हो सकते, तो रोल ओवर सबका नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो कंटिन्यूस बाइंग आया था, तो उस बाइंग के चलते यहाँ पे कुछ सेलिंग ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो उस हिसाब से अगर 593 के नीचे ये चलने लगता है तो यहाँ पे आपको ज़रूर नीचे की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है, और ये 565 के लेवल तक ज़रूर आने के चांसेस बने हैं इंट्राडे पे, ठीक है, सॉरी मतलब आने वाले टाइम पे, इंट्राडे पे नहीं, इंट्राडे पे कुछ भी हो सकता है, एक ही दिन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हमें नहीं मालूम। तो आप इसको जरूर कल ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बिलो 593 सेल, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले ज़रूर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपका किसी भी स्टॉक को लेके या फिर किसी भी कुछ क्वेश्चन है स्टॉक को लेके, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसके आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है सिप्ला। देखिए यहाँ पे सिप्ला हमने क्यों लिया है, देखिए अगर आप देखेंगे तो सिप्ला ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ये एक साइडवेज ट्रेंड पे है, ना ही अप ट्रेंड है, ना ही डाउन ट्रेंड है, इसी जो ये जो रेंज है इसी रेंज के अंदर ये बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि ये जो लो लगा उसके बाद जो रिवर्सल आया, ये जो कैंडल है, हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, ये जो कैंडल है इस कैंडल के अंदर बहुत दिनों से ये प्राइस मूव कर रहा था, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7-8 कैंडल्स का मूवमेंट है इसके अंदर। ये डेली चार्ट हमने लिया हुआ है, तो डेली चार्ट पे अगर 7-8 मतलब 7-8 दिन से ये इसी रेंज के अंदर है, तो आज जाके फाइनली इसी रेंज के लगभग जो निचला जोन है उसी के आसपास ये कहीं पे क्लोजिंग दिया, या फिर उसके नीचे थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो उस हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट है कि अगर ये यहाँ पे रेंज ब्रेकडाउन हो रहा है तो थोड़ा सा और नीचे आने के चांसेस कल आपको दिख सकते हैं। उस हिसाब से आप सिप्ला को 729 के नीचे ज़रूर यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। नीचे की तरफ जो बेस सपोर्ट है वो 706 के
आसपास है या फिर 700 के आसपास भी आप कह सकते हैं। और वॉल्यूम कुछ ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि रेंज में है तो वॉल्यूम आएगा भी नहीं, लेकिन अगर ये रेंज को तोड़ने के बाद कल ट्रेड करने लगता है तो वॉल्यूम आने के चांसेस ज़रूर बन जाएंगे। अगर इस तरह का कुछ मूवमेंट होता है तो वॉल्यूम ज़रूर आ सकता है। उस हिसाब से आप इसको 729 के नीचे सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, आपको नीचे की तरफ लगभग 706 तक का सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ये था आपके लिए दूसरा स्टॉक, इसको भी आप कल इंट्राडे पे सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो चलिए, आपके लिए दो स्टॉक हमने बता दिया, एक है एक्सिस बैंक और दूसरा है सिप्ला, और उसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी जो भी व्यू था वो भी हमने आपको बता दिया। वीडियो आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। और उसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।